दोस्तों होली आने वाली है तो गुजिया तो इस बार आप लोग घर पे ज़रूर बनाएंगे, लेकिन एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको हलवाई कैसे बनाते हैं खस्ता गुजिया वो पता चल सके। फ्राइंग पैन पे मैंने 1 टीस्पून घी डाला है, उसके ऊपर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर दिया है। इन्हें निकालने पे मैंने उसी घी के अंदर लिया है आधा कटोरी सूजी, इसे भी मैंने रोस्ट करके निकाल लिया है। अब मैं 2 टीस्पून घी लेकर और उसके अंदर डाल रही हूँ आधा कटोरी मिल्क पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके अंदर इलायची पाउडर कूट के डालूंगी और उसके बाद मैं 1 कटोरी दूध डालूंगी। इंस्टेंट मावा मैं इसी तरह से घर में बनाती हूँ, कैसे पूरी तरह से बनता है वो आप आई बटन पर जाके चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। अब हम लोग बना लेते हैं डो। तो मैदा 1 कटोरी लिया है मैंने, उस पर 1 पिंच नमक, आधा टीस्पून शक्कर और 1 टीस्पून हम लेंगे इसके अंदर घी। तो घी मोयन के लिए लिया है, तो जिस तरह से हल्की सी मुट्ठी बंद जाए ना उतना मोयन हमें इसके अंदर लेना है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हल्के से निवाए पानी के साथ में मैं इसका डो बना के तैयार कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मोयन सफिशेंट होगा। और अब मैं इसका अच्छे से डो प्रिपेयर करके और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के ऊपर रख दूंगी, फिर बाद में बनाएंगे इससे हम लोग पूड़ी। तो 1 कटोरी मैदा के अंदर करीब 8 पूड़ी बन जाती है। अब हम लोगों ने इसके फिलिंग के लिए जो मिक्सचर किया था रेडी, यानी कि सूजी, फिर बाद में मावा और ड्राई फ्रूट्स, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। चाहे तो इसमें खोपरा ले सकते हैं, मैंने उसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो ये मेरा बन गया है फिलिंग, और ये जब तक 10 मिनट में आटा भी तैयार हो चुका था हमारा, तो इसकी लोई बनाकर हम लोग पतली पतली पूड़ियाँ जो है वो बेल देंगे और इसके अंदर इस तरह से फिलिंग हम लोग ऐड करेंगे। चाहे तो इसको मशीन की हेल्प से भी बना सकते हैं या फिर हाथ से भी बना सकते हैं। तो मैं हाथ से गुजिया बनाने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं जनरली इसके सांचे का इस्तेमाल करती हूँ बनाने के लिए। तो इस तरह से फिलिंग ऐड करके और इसको हमें सील करना है अच्छे से, ताकि हमारा घी या तेल जिसमें भी आप इसे फ्राई करना चाहते हैं तो ये बिखरेगी नहीं। अगर आपको पूड़ी हल्की सी ड्राई लग रही है तो उसको सील करने के लिए आप लोग दूध या फिर पानी भी ऐड कर सकते हैं, और फिर इस तरह से आप इसको मोड़ कर प्रॉपरली सील कर सकते हैं ताकि कहीं से भी तेल में जाने पे या घी में जो भी आप यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए ये बिल्कुल फटेगी नहीं। तो ये गुजिया हमारी तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बनाऊंगी पूड़ी और उसको इस सांचे के अंदर रखूंगी और फिलिंग भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो परफेक्ट फिलिंग इसके अंदर ऐड होती है, तो मुझे सांचे से बनाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फिलिंग इसके अंदर मैंने डाल दी है और अब इसको बंद कर देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा इसमें पूड़ी का मैदा बचा है वो सब कुछ हम लोग निकाल लेंगे, वापस प्रेस करके देखेंगे ताकि सील प्रॉपरली हो जाए। और ये देखिए हमारी गुजिया बिल्कुल रेडी है और बहुत ही अच्छी दिख रही है ना, ये डिज़ाइन भी इसमें साइड में बहुत अच्छी आई। तो इसको सेफली हम लोग रख देंगे प्लेट में और इसी तरह से बाकी गुजिया तैयार कर देंगे। तो मेरी ये बाकी गुजिया भी बनके तैयार हो चुकी हैं। इसको हम लोग बिल्कुल धीमी आंच के अंदर तेल में फ्राई करेंगे, तेल को बिल्कुल भी गर्म नहीं रखना है, धीमी आंच का रखना है। और जैसे ही हम लोग इसके अंदर गुजिया डालें डायरेक्टली हमें इसको फ्लिप नहीं करना है, थोड़ा सा इसको पकने के लिए वेट करना है, वरना ये गुजिया बहुत सॉफ्ट होती हैं ये बिखर जाएंगी। तो धीमी आँच पर ही थ्रू आउट हमें इसे पकाना है। और ये देखिए हल्का ब्राउन कलर आ गया है, इसको हम लोग अब सर्विंग प्लेट में ले चुके हैं। तो ये गुजिया बिल्कुल खस्ता बनी है और इसे ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर में इस बार होली की रेसिपी के लिए, और अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा। ये रही मेरी मेहमानों की प्लेट जो मैं इस तरह से तैयार करूँगी होली के लिए।